अस्सलाम वालेकुम आई एम योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलसिले में अपना टेस्ट नंबर नाइन डिस्कस किया था आज इसी यूनिट यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के ही सिलसिले में अपना टेस्ट नंबर टेन हम लोगों ने डिस्कस करना है सो so, अपना काम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 इन द द सर्किट शोन आउटपुट अक्रॉस रेजिस्टर ड्यूरिंग टी बाय टू टू टी इज अगेन सर्किट आप लोगों के सामने बना भी हुआ है और यहाँ पे मैंने व्हाइट uh, बोर्ड पे भी ड्रॉ कर दिया सो so, ये आपके पास हाफ रेक्टिफायर डायोड वो लोड रेजिस्टेंस है कि जिसके अक्रॉस क्या हासिल होनी है आउटपुट हासिल होनी है और ये क्या है वो एसी सोर्स जिसके पैदा किए हुए एसी को आपने हाफ रेक्टिफिकेशन के बाद किस में चेंज करना है डीसी में चेंज करना है Uh, ये आपका एसी साइकिल नौ एक एसी साइकिल में आपको पता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है जीरो से टी बाई टू तो तक और नेगेटिव हाफ साइकिल होता है टी बाई टू से टी तक हमने कैलकुलेशन करनी है टी बाई टू से टी तक की और टी बाय टू से टी तक कौन सा हाफ साइकिल जा रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल जा रहा है कि जिसके दौरान सोर्स का ये पोटेंशियल लो होगा यह पोटेंशियल हाई होगा सोर्स का ये लो पोटेंशियल डायोड के पी के साथ जुड़ा हुआ है इसका मतलब डायोड की कौन सी बाइसिंग होगी रिवर्स बाइसिंग होगी जब डायोड की रिवर्स बाइसिंग होगी तो आपको आउटपुट पे कोई करंट नहीं मिलेगा आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा जीरो यानी क्वेश्चन नंबर वॉट विल बी दी एम मीटर रीडिंग इन द सर्कट शोन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी नाउ ये आप ए सी नाम इसके साथ आपको क्या लिखा दिखाई दिखा दे रहा है क्या लगा दिखाई दिखा दे रहा है और ये वो एसी सोर्स है अब वो आपसे सवाल में क्या कह रहा है कि आपने पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी के लिए एमिट की रीडिंग बतानी है न पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी का क्या मतलब है ये नो इस पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी के लिए ऊपर वाला पोटेंशियल सोर्स का हाई नीचे वाला पोटेंशियल सोर्स का लो न इसके पॉजिटिव होने का मतलब है ये क्या हो गया पॉजिटिव इसके नेगेटिव होने का मतलब है ये क्या हो गया नेगेटिव ये पॉजिटिव होने की वजह से ये वाला डायट फॉर्ड बाइस होगा ये वाला डायोड रिवर्स बाइस होगा ये नेगेटिव होने की वजह से ये वाला डायोड रिवर्स बाइस होगा ये वाला डायोड फॉर्ड बाइस होगा करंट फ्लो करवाने की कोशिश करें कन्वेंशनल करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है यहां से करंट आएगा इधर आएगा इधर आके उसे कितने रास्ते मिलेंगे दो यहां से जा नहीं सकता चूंकि ये डायोड रिवर्स बाइस है यहां से पास करके जब यहां पे पहुंचेगा तो आगे उसके सारे रास्ते बंद है इसका मतलब ऑन द फर्स्ट प्लेस करंट फ्लो ही नहीं करेगा मैं फिर बोल रहा हूं ये पूरा सर्किट इस सोर्स के लिए कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा लाइक एन ओपन सर्किट और ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है एम मीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा आपके एवं एमसीक्यू का भी आंसर जस्ट लाइक एटी सिक्स जीरो यानी चाली होगा क्वेश्चन नंबर 88 इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट ऑफ एसी इज 50 मिलीसेकंड्स देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल एट आउटपुट इन हर्ट्ज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती हाफ वेव रेक्टिफायर जब आउटपुट पैदा करता है तो उस आउटपुट यानी डीसी हाफ रेक्टिफाइड की वही फ्रीक्वेंसी होती है जो इनपुट एसी की होती है यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी और इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी वन ओवर इनपुट टाइम पीरियड ऐसी जब मैं यहाँ पे 50 और मिली को क्या लिखूंगा टेरिस तो ऊपर तो क्या बन जाएगा थाउजेंड ओवर 50 एंड थाउजेंड ओवर 50 कम्स आउट टू बी 20 हर्ट आपके ए एमसीक्यू का आंसर क्या होगा पीटा क्वेश्चन नंबर इन हाफ हाफ रेक्टिफायर द डायोड डायोड तो आपको पता है रेक्टिफिकेशन के दौरान किसी एक हाफ के लिए कंडक्ट करता, तो करता है या तो पॉजिटिव हाफ के लिए कंडक्ट करता है या नेगेटिव हाफ के लिए कंडक्ट करता है आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चार्ली मसलन अगर मैं इसको समझाने के लिए ये क्वेश्चन नंबर नाइनटी से थोड़ी सी आपकी हेल्प ले लूं तो इस सिचुएशन में जब डायोड का पी पार्ट लेफ्ट साइड पे और डायोड का एन पार्ट राइट साइड पे ये डायोड कब कंडक्ट करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लेकिन अगर मैं इस डायोड को उल्टा लगा दूं यानी यू लगा दूं तो अब यही डायोड इसी सर्किट में नेगेटिव हाफ के लिए फॉर्ड बाइस होगा और कंडक्ट करना शुरू कर देगा लिहाजा हाफ एफ रेक्टिफिकेशन के दौरान डायोड जैसे मैं लगा, लगा हो वो एक पूरे ऐसी साइकिल में किसी एक हाफ या पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ के लिए ही कंडक्शन या फॉर बाइसिंग शो करता है आई रिपीट आपके नाइन एमसीक्यू का आंसर क्या आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चाली क्वेश्चन नंबर द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट सर्किट विल बी ये जो आपको सर्कट वि इसकी आउटपुट क्या होगी सर्किट आपके टेस्ट में भी बना हुआ है यहां पे भी मैंने बना दिया अगेन एक हाफ एफ प्रेक्टिफायर है कि जिसमें डायोड किसके साथ लगा हुआ है एक एसी सोर्स के साथ लगा हुआ है और ये जो एसी सोर्स है वो ये सिग्नल पैदा कर रहे है। I repeat, ये सोर्स इस डायोड को ये सिग्नल दे रहे है। अब आप ध्यान से ये इस एसी सिग्नल का नेगेटिव पोर्शन है इस दौरान सोर्स का ऊपर वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा लो नीचे वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा हाई और डायोड क्या होगा रिवर्स बायस आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी लेकिन जब आएगा पोर्शन ऑफ द इनपुट अब सोर्स अपनी पोलैरिटी रिवर्स करेगा और कैसे रिवर्स करेगा ऊपर वाला हाई पे आ गया नीचे वाला लो पे आ गया नतीजा आप डायोड क्या होगा फोर्ट बाई सो होगा और अब आपको आउटपुट मिलेगी एंड सो ऑन और ये आउटपुट का बिहेवियर आपको सिर्फ कौन सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है एल्फा में जो मैंने यहां पर दो दफा ड्रॉ कर दिए एक दफा अप और एक दफा पहले से मैंने आपके सामने ड्रॉ करके कर रखी हुई है। का आंसर क्या होगा? द इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन ए सी एंड आउटपुट इज अक्रॉस बी एंड डी देन आउटपुट इज इसमें आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि एक तो ये जो डायोड्स हैं, दो डायोड्स आपस में पैरेलल लगे होते हैं यानी ये वाले आमने सामने वाले डायोड्स हमेशा कैसे लगे होते हैं पैरेलल यानी आप देख सकते हैं कि इन दोनों डायोड्स का रुख एक तरफ है और इन दोनों डायोड्स का रुख एक तरफ है एक तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बहुत बड़ी पहचान है कि पैरेलल डायोड्स की डायरेक्शन क्या होती है सेम होती है और कोई साइक्लिक प्रोसेस आपको बनता नहीं दिखाई दे रहा दूसरा इनपुट और आउटपुट अगर अलग अलग डायग्नस पे लग रही है मसलन इनपुट कहां पे लग रही है ए और सी के दर और आउटपुट कहां पे लग रही है बी और डी के दरियान यानी इनपुट लग रही है ए और सी के दरमियान और आउटपुट कहाँ पे लग रही है आउटपुट रेजिस्टेंस यानी लोड रेजिस्टेंस कहां पे लग रही है बी और डी के दरमियान तो ये दूसरी पहचान है कि ये कौन सा रेक्टिफायर होगा ये फुल वेव रेक्टिफायर होगा जो कि आपको सिग्नल को फुल वेव रेक्टिफाइड करके देगा नाइनटी फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बी का क्वेश्चन नंबर हाफ वेव रेक्टिफायर द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स आर एज शोन द टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट विल बी हाफ एफ प्रेक्टिफिकेशन के लिए आउटपुट और इनपुट की फ्रिक्वेंसी सेम होती हैं आउटपुट और इनपुट के टाइम पीरियड्स भी सेम होंगे तो अगर आपने आउटपुट का टाइम पीरियड निकालना है तो वो वही होगा जो इनपुट का होगा तो आप इनपुट का टाइम पीरियड निकालें आउटपुट का भी यही होगा नाउ ये ये आपके पास इनपुट है और ये आपके पास आउटपुट है जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि हाफ एफ प्रेक्टिफिकेशन के लिए इनपुट और आउटपुट का टाइम पीरियड इक्वल होते हैं तो अगर आपने आउटपुट का टाइम पीरियड निकालना है तो इनपुट का टाइम पीरियड निकाल निकालने वही आंसर होगा और टाइम पीरियड क्या होता है वो टाइम जिसके दौरान एक साइकिल पूरा हो और एक साइकिल आपको जीरो से तो टेन मिली सेकेंड तक पूरा होता दिखाई दे रहा है इसका मतलब इनपुट का टाइम पीरियड क्या होगा टेन मिली सेकंड तो आउटपुट का भी टाइम पीरियड क्या होगा टेन मिली सेकेंड नाइन्टी सेकेंड एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बी का क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री इन रेक्टिफायर हाउ मेनी डायोड्स कंडक्ट एट अ टाइम तो ये हमने रूटीन की क्लास में देखा, देखा था कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए या ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आ, किसी एक वक्त में कोई से दो डायोर्स फोर्ड बाइस कंडक्ट हो रहे होते हैं और बाकी दो रिवर्स बाइस हो रहे होते हैं और जब एसी uh, अपनी पोलैरिटी चेंज करता है तो ततीब भी चेंज हो जाती है यानी जो दो डायोड्स पहले फोर्ट बाय हो रहे थे वो अब

डायग्राम आपके सवाल में भी बनी हुई है डायग्राम मैंने यहाँ पे भी बना दी है टर्मिनल पोटेंशियल पे हो जाएगा ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा और लो किसके साथ जुड़ा हुआ है डायोड के पी के साथ और हाई इनडायरेक्टली या थ्रू रेजिस्टेंस किसके साथ जुड़ा हुआ है डायोड के N के साथ तो डायोड की कौन सी बाइसिंग होगी रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी आपके एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा बीटा क्वेश्चन नंबर द द द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इन फॉलोइंग सर्किट सर्किट इज अगेन आपके टेस्ट में भी मैंने आपको दिखाई दे रहा है और मैंने भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसमें आपको कोई लंबी छोड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है ये डायोड इस सेल की वजह से आपको क्या होता दिखाई दे रहा है रिवर्स बाइस रिमेंबर सेल का कैथोड डाउड के पी से जुड़ा हुआ है जब डाउट रिवर्स बायस होगा तो पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा और आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज कोई पोटेंशियल ड्रॉप कोई आउटपुट ऑब्टेन नहीं होगी 96th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा जीरो यानी डेल्टा क्वेश्चन नंबर 97 द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एंपलीफायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ पॉथ हाई होती है और उसका ऑर्डर क्या होता है सेवरल मेगा

क्वेश्चन नंबर ओपन लूप गेन ऑफ एन ऑपरेशन एम्पलीफायर इज वेरी अगर आपको याद हो तो ओपन लूप गेन का फॉर्मूला होता है आइडियल वैल्यू इसकी क्या होती है इन्फिनिटी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होती है टेन पावर फाइव इसकी प्रैक्टिकली इतनी हाई वैल्यू होने की वजह वी प्लस और वी माइनस का ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होने जिसकी वजह से वी प्लस और वी माइनस का डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या हो जाता है जीरो और और उसकी वजह से प्लस माइनस के दरमियान प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं करता और उस इन सारी बातों की वजह प्लस और माइनस यानी इनवर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कहना चाहिए नॉन इनवर्टिंग एंड इनवर्टिंग टर्मिनल्स के दरियान लगी हुई इंतहाई हाई रेजिस्टेंस है आपके नाइनटी नाइन एमसीक्यू का आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दिस यानी डेल्टा क्वेश्चन नंबर 100 हंड्रेड इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज द रेजिस्टेंस बिटवीन अभी डिस्कस हुआ रूटीन की क्लास में भी डिस्कस हुआ है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्टिंग एंड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान ऑपरेशनल एम्पलीफायर या आईसी के अंदर कनेक्ट हुई होती है आपके वन एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चालनी क्वेश्चन नंबर 101 नो करंट फ्लोस बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑपरेशनल एंपलीफायर बिकॉज ऑफ अभी डिस्कस हुआ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल्स के درمیان एक अंतहाई हाई रेजिस्टेंस की होती है जिसकी वजह से इन दोनों इनपुट्स के درمیان प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता 101 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा डेल्टा

और दूसरे बहुत सारे काम कर रहा होता है लाइक कैलकुलेटर यूज होने वाला जो आईसी है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहा होता है एंड सो ऑन बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं तो अल्फा बिल्कुल ठीक है और बीटा भी बिल्कुल सही है नो लेट्स सी वट डी से इट्स ओपन लूप गेन इज वेरी स्मॉल अभी हमने पढ़ा कि इसके ओपन लूप गेन है इनफैक्ट बहुत ज्यादा हाई होती है तो अल्फा सही है बीटा सही है चार्ली गलत है वन जीरो का आंसर होगा बोथ एंड बी यानी डेल्टा क्वेश्चन वो इनतहाम होती है और आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान कनेक्ट हुई होती है हमने रूटीन की क्लास में भी देखा था कि इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग के दरमियान एक बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है कि जिसको हम इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं जबकि आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान कनेक्ट हुई होती है जो इंतहा लो होती है वन जीरो थर्ड एमसीक्यू में करेक्ट डायग्राम आपको किसमें दिखाई दे रही है चाली में दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर अस्यूमिंग द जंक्शन टू बी आइडियल इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द डायोड इज अब जरा ध्यान से देखिएगा इस डायोड के क्रॉस आपको दो सेल लगे दिखाई दे रहे हैं ये सेल डायोड को फॉरबाइज करने की कोशिश कर रहा है वोल्ट की मदद से लेकिन ये सेल डायोड को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है टू वोल्ट की मदद से तो दोनों के दरमियान कितना वोल्टेज डिफरेंस दिखाई दे रहा है वोल्ट का तो ये जो डायोड है ये वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है रिवर्स हो रहा है रिमेंबर ये सेल ज्यादा ई एम एफ का ये सेल कम ई एम एफ का तो ये सेल कामयाब हो जाएगा लेकिन कितना कामयाब होगा टू माइनस वन इन वन वोल्ट तो इसका मतलब ये डायोड ओवरऑल वन वोल्ट के नेट वोल्टेज की वजह से क्या हो रहा होगा रिवर्स पाइस हो रहा होगा और रिवर्स प्राइसिंग के दौरान आपको पता है डायोड कंडक्ट uh, नहीं करता आपने से कोई करंट फ्लो करने नहीं देता आपके वन जीरो का आंसर होगा जीरो यानी डेल्टा क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव आप फोर वे रेक्टिफायर सर्किट अलॉन्ग विद द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस इज शोन द कंट्रीब्यूशन टू द आउटपुट फ्रॉम डायोड डी टू इज नौ ये आपके सामने ये आपके सामने फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है जिसमें ये एसी सोर्स है कि जिसके पैदा किए हुए एसी को आपने चेंज करना है डीसी में चेंज करना है ये एक सेंटेटिव ट्रांसफार्मर के थ्रू फीड किया जा रहा है दो में वन इज ऑफकोर्स डी वन एंड अदर इज ऑफ कोर्स डी टू ना ये आपके पास इनपुट है क्योंकि एसी सोर्स की इनपुट ऑल्टरनेटिव करंट होगी तो आपको इसमें पॉजिटिव

टर्मिनल्स भी अपनी पॉलरिटी क्या कर देंगे रिवर्स कर जाएंगे नतीजातन डायोड वन जो पहले क्या हो रहा था फोर्थ बाइस अब क्या होना शुरू हो जाएगा रिवर्स बाइस और डायोड टू जो पहले क्या हो रहा था रिवर्स क्या होना शुरू हो जाएगा फोर्थ बाइस और अब रेक्टिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन किस डायोड की होगी डी टू की लिहाजा डी टू कंट्रीब्यूशन कब दे रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए कि जिनको क्या नाम दिया हुआ है बी एंड डी का आपके वन जीरो

पीक वोल्टेज निकालने है। चले मैं आपको समझाने के लिए इसको मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो आपने ये निकालना है आप सर यहां से सुनेगा जो वी नॉट है ये किसको शो कर रहा है पीक वोल्टेज ऑफ आउटपुट ना ये एसी सोर्स है इसके आगे आपको कितने कंपोनेंट लगे दिखाई दे रहे हैं दो डायोड और रेजिस्टेंस और दोनों आपस में कैसे लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं।, हैं सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है इसका क्या मतलब होगा ट्वेंटी में डिवाइड होगा इसमें से जीरो पॉइंट और बाकी का कौन ले जाएगा आउटपुट और यही आप लोगों ने क्या करना था निकालना था आगे तो मेरे यहां से मुझे बताने की जरूरत नहीं है जीरो पॉइंट सेवन जो प्लस हो रहा है उधर आकर क्या हो जाएगा माइनस तो आउटपुट के क्रॉस यानी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको पीक वोल्टेज कितना मिलेगा नाइनटीन पॉइंट थ्री यानी होगा बी का का इसको करने कोई तरीका भी है कि ट्वेंटी वोल्ट आगे कितने हो रहा है दो उसमें से डाउट कितना ले रहे हैं जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट तो बाकी कौन ले रहा होगा आउटपुट और वो कितना होगा ही होगा होगा क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन विच आर द फॉलोइंग आउटपुट कैन नॉट बी अचीव बाय तो हाफ एफ रेक्टिफिकेशन में अल्फा और बीटा ये दोनों अचीव हो सकती हैं और डिपेंड करता है कि आपने डाउट कैसे लगाया हुआ है अलबा जो चाली है ये हाफ एफ रेक्टिफिकेशन के दौरान अचीव होती, दौरा होती है चाली क्वेश्चन नंबर वन वोल्टेज ऑफ वन टेन वोल्ट सिक्सटी हर्ट फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ पल्स ऑफ रेक्टिफाइड करंट ऑप्टेंड इन फाइव सेकेंड इज ध्यान से देखें तो फोल वेव रेक्टिफायर का वर्ड यूज हुआ हुआ है बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि वेव रेक्टिफायर किसी डबल कर देते हैं यानी वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हासिल होने वाली डीसी की फ्रीक्वेंसी इनपुट ए सी की फ्रीक्वेंसी से डबल हो जाती है यानी वेव रेक्टिफिकेशन के लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रिक्वेंसी कितनी थी सिक्सटी तो आउटपुट फ्रीकवेंसी के आ गई फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं नंबर ऑफ पल्सेस और नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड को तो फ्रीक्वेंसी 120 ट्वेंटी आने का क्या मतलब है कि आपको एक सेकंड में कितनी पल्सेस मिल रही हैं 120 लेकिन सवाल क्या था बताएं 5 सेकंड में कितनी पल्सेस मिलेंगी तो अगर एक सेकंड में कितनी पर्सेस मिल रही है 120 तो 5 सेकंड में कितनी पर्सेस मिलेंगी फाइव इंटू यानी आपके वन जीरो का आंसर क्या होगा सिक्स यानी बीता क्वेश्चन नंबर इन फॉरवर्ड ऑफ जंक्शन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान पी एग जंक्शन डायोड के डिप्रिशन रीजन की थिकनेस कम हो जाती है जिससे उसकी रेजिस्टेंस काफी कम होकर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू ओम्स रह जाती है एमसीक्यू का आंसर क्या होगा वेरी स्मॉल यानी डेल्टा क्वेश्चन नंबर वन टेन इन अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड आर इक्वल टू वन ऑफ द दर एमसीक्यूज

किस किन दो क्वांटिटीज के दरमियान देख के पता चलता है आई और वी के दरमियान देख के पता चलता है एमसीक्यू का वोल्टेज और करंट के दरमियान का, का ग्राफ होता है एल्फा वन पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर जीरो पॉइंट

अल्फा क्वेश्चन नंबर जर्मेनियम और जर्मेनियमिकॉन का पोटेंशियल बैरियर जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट दिस कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट थ्री ओवर जीरो आंसर कम्स आउट टू बी ऑफकोर्स थ्री बाई का आंसर होगा डेल्टा

होपफुली आज के तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज